हेलो, गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम स्टूडेंट। आज हम जी इंग्लिश में चैप्टर 8 लिंक वर्ब वॉज वेयर शैल बी विल बी, उसके बारे में हमने पार्ट 1 में इंफॉर्मेशन ले ली थी। तो आज जो हम FIB करने जा रहे हैं वो बिल्कुल उसके रिलेटेड है। तो जो FIB है उसमें हमको ध्यान से देखना है, और हमारा पार्ट 1 जो हमको पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस के बारे में जो हमने पहले पार्ट में सीखा था उसको हमको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है 1 नंबर की। उसमें देखो लिखा है ईट ब्लैंक्स 7 o'clock नाउ। तो बच्चों आपको मैंने बताया था उसी टाइम पे जब नाउ लिखा है यानी कि अभी की बात हो रही है, तो नाउन से पता चल जाएगा कि हमारा ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो जो प्रेजेंट टेंस है उसमें इज एम आर लगाना है, मैंने आपको बता दिया था, फिर भी वापस बता रही हूँ कि इज जो है वो हमारे सिंगुलर में लगेगा, आर जो हमारा प्लूरल सेंटेंस होगा तभी लगेगा, और आई के साथ एम लगेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर बात हो रही है 7 o'clock की, और अभी 7 बजे हैं यानी कि 7 o'clock हुए हैं। तो नाउ मीन्स प्रेजेंट टेंस हो गया, तो इट इज नाउन आएगा, इट इज 7 o'clock नाउन, अभी 7 बजे है। द मीटिंग ब्लैंक्स एट 8 o'clock, तो हमारी मीटिंग जो है वो 8 o'clock को स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी हुई नहीं है, होने वाली है। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस बन जाता है बच्चों, तो हम उसमें विल भी लगाएंगे। ओके, जब भी फ्यूचर टेंस की बात हो तब हमको कुछ भी नहीं सोचना है, विल भी लगा देना है, तो हमारी ये FIB कभी रॉन्ग नहीं हो सकती। अब 2 नंबर में देखो बच्चों कि देखो स्टार्टिंग से टुमारो लिखा है, टुमारो ब्लैंक्स है हॉलीडे। ओके, टुमारो तो आपको पता है कब बोलते हैं हम टुमारो, जब आने वाला है दूसरा दिन, हमारा जो आज हमारा जो दिन है उसके बाद वाला जो दिन आ रहा है उसको हम टुमारो कहते हैं। ओके, तो टुमारो क्या है, अब आने वाला है, तब हमारी हॉलीडे है यानी कि छुट्टी है, तो उसमें भी हमारा फ्यूचर टेंस है, इसलिए हमको विल भी लगाना है। टुमारो विल बी हॉलीडे है, आप नोटिस भी लिखते हो, हमारे स्कूल में छुट्टी होती है तो तुम लोग नोटिस लिखते हो ना कि कल छुट्टी है, तो इसका मीनिंग कल है ना, तो वो हमारा फ्यूचर में है, मतलब फ्यूचर टेंस आ जाएगा, तो इसमें हमको विल भी लगाना है। देयर ब्लैंक्स नो स्कूल टुमारो, हमको कल स्कूल जाना नहीं है। ओके, तो हमारी कल स्कूल नहीं है, तो उसमें भी आपको फ्यूचर टेंस है तो आपको विल भी लगाना है। 3 नंबर की जो FIB है उसमें लिखा है सुनील ब्लैंक्स द कैप्टन ऑफ टीम इन द नेक्स्ट मैच, अभी जो नेक्स्ट मैच आने वाली है ना उसमें कैप्टन है, अभी की बात नहीं हो रही, क्योंकि नेक्स्ट मैच जो नेक्स्ट लिखा है वो अब होने वाला है, आने वाला है, तो वो भी हमारा क्या होगा, फ्यूचर टेंस है, इसलिए उसमें भी विल भी लगेगा। अब 4 नंबर की जो FIB है उसमें लिखा है यस्टरडे आ गया, मतलब आपको पता चल गया कि हमारा ये पास्ट टेंस है ना, तो यस्टरडे ब्लैंक से हॉलीडे, कल हमारी छुट्टी थी। ओके, तो यस्टरडे मतलब मीन्स चला गया है, टुमारो है वो आने वाला है, और टुडे है तो हमारा अभी का डे की बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, तो यस्टरडे से ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हमको वॉज और वेयर लगाना है। तो वॉज कब लगाना है, जब सिंगुलर होता है तब हम वॉज लगाएंगे, और बहुत सारे होते हैं तब हमको वेयर लगाना है। तो यस्टरडे एक ही दिन की बात हो रही है, तो यस्टरडे में वॉज लगेगा, यस्टरडे वॉज ए हॉलीडे। ओके, उसके बाद लिखा है ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली ब्लैंक्स एट होम, जब हमारी छुट्टी थी कल तो सारे फैमिली के मेंबर्स हमारे एट होम मतलब घर पे थे, है ना, तो सारे मेंबर्स, यहाँ पे देखो मेंबर्स में एस लगा है और फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पे वेयर लगा है, तो ये प्लूरल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे वेयर लगेगा। अब FIB 5 नंबर की है, उसमें नेक्स्ट ईयर, तो आपको पता ही चल गया कि नेक्स्ट ईयर किसकी बात हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर मतलब अब आने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट ईयर ब्लैंक्स 16 ईयर्स ओल्ड, है ना, वो 16 ईयर की हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, तो उसमें आएगा विल बी। अब 6 नंबर की है ही ब्लैंक्स एब्सेंट लास्ट वीक बिकॉज ही ब्लैंक सिक, अब वो लास्ट वीक मतलब जो हमारा चला गया है, तो ये हमारा पास्ट टेंस हुआ बच्चों, तो जो चला गया है तो लास्ट वीक वो क्या था, एब्सेंट था, क्यों नहीं आया था स्कूल, तो ही वॉज सीक, वो बीमार पड़ा था। तो अभी एक सिंगुलर की बात हो रही है, देखो एक ही बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको ही के साथ आपको वॉज लगाना, ही वॉज एब्सेंट लास्ट वीक बिकॉज ही वॉज सीक, वो बीमार था इसलिए वो स्कूल आया नहीं था, लास्ट वीक पूरा नहीं आया था, वो बीमार था इसलिए।
लास्ट वीक तो आपको पता ही है वो पास्ट टेन में चला जाएगा, ठीक है। अब सेवन नंबर में देखो, सेवन नंबर में है आई ब्लैंक्स बिजी नाउ, अभी आया नाउ यानी कि टुडे की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में ईज एम आर लगाना है। और मैंने बच्चों आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि आई के साथ हमको एम ही लगाना है प्रेजेंट टेंस में, ओके। तो आई एम बिजी नाउ, मैं अभी बिजी हूँ। माय वर्क ब्लैंक्स ओवर आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद मेरा वर्क ख़त्म हो जाने वाला है, अभी हुआ नहीं है बच्चों, वो हो जाने वाला है, तो वो हमारा फ्यूचर में चला जाएगा, तो उसमें लिखना पड़ेगा हमको विल बी। माय वर्क विल बी ओवर आफ्टर सम टाइम, मेरा वर्क जो है वो ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़े टाइम के बाद मेरा वर्क ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो उसमें हमको विल बी लगाना है। फिर एट नंबर की एफ आई बी है, इट इज़ इट ब्लैंक्स लंच टाइम नाउ, अभी मेरा लंच टाइम हुआ है। द प्लेयर्स ब्लैंक्स इन द पेवेलियन, ओके, प्लेयर्स जो है वो पेवेलियन के अंदर है। दे ब्लैंक्स बैक ऑन द ग्राउंड आफ्टर लंच, अभी का जो टाइम है वो हमारा लंच का टाइम है, तो नाउ लिखा है तो उसमें इज एम आर लगाना है, तो इट इज़ लंच टाइम नाउ। द प्लेयर ब्लैंक्स इन द पेवेलियन, ओके, पेवेलियन में प्लेयर जो थे बहुत सारे थे, प्लेयर्स लिखे हैं इसलिए क्या लगेगा, आर लगेगा, ओके, प्लेयर्स थे पेविलियन में लेकिन अभी लंच टाइम हुआ है। दे ब्लैंक्स बैक ऑन द ग्राउंड आफ्टर लंच, जब लंच कर लेंगे तब वापस आ जाएंगे, तो आपको ये पूरी एफ आई बी में पता चल जाना चाहिए कि नाउ मतलब अभी लंच टाइम हुआ है, थोड़ी देर पहले वो कहाँ पे थे, पेविलियन में थे, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद लंच करने के बाद कहाँ पे आने वाले हैं, वो ग्राउंड में आने वाले हैं, तब हमारा आने वाले हैं, तब हमारा विल भी लगेगा। इसमें तीनों टेंस आ गए हैं, देखो प्रेजेंट है और सॉरी पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट है और फ्यूचर टेंस है, ओके। नाइन नंबर में देखो कि क्या लिखा है, द बर्ड इन द नेस्ट ब्लैंक्स वेरी स्मॉल, दे ब्लैंक्स जस्ट एग्स टिल यस्टरडे, अब यहाँ पे ऐसा कहा गया है जो बर्ड्स है हमारे, बर्ड्स मीन्स बहुत सारे बर्ड्स दिए है, एस लगाया है, तो हमारा ये क्या बन गया है, हमारा प्यूलर सेंटेंस है हमारा ये, और द बर्ड्स जो है वो नेस्ट के अंदर है अभी है, ओके। द बर्ड्स इन द नेस्ट वेरी स्मॉल, उसके अंदर जो बर्ड्स है वो वेरी स्मॉल है, ओके, तो आर लगेगा यहाँ पे, बहुत सारे बर्ड्स है। दे ब्लैंक्स जस्ट एग्स टिल यस्टरडे, कल ही अंडे दिए थे, कल ही बच्चे दिए थे बर्ड्स ने, ओके, तो कल ही दिए थे, यस्टरडे आ गया मतलब पास्ट टेन हो गया, तो वहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारे, दे के साथ वेर लगेगा, बहुत सारे हैं इसलिए एक्स बाय एक्स लिखा है ना, यहाँ पे एस लगाया है, तो बहुत सारे एक्स थे इसलिए यहाँ पे वेर आएगा, और कल ही बच्चे को जन्म दिया था, ओके, कल ही एग थे और आज हमारे नेस्ट में जो है वो बर्ड्स है। अब टेन नंबर में है, द ब्लैंक्स इज इवनिंग नाउ, अभी जो है वो कौन सा टाइम है, शाम का टाइम है। द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, बट नाउ ब्लैंक्स इन द वेस्ट, सून द सन ब्लैंक्स आउट ऑफ साइट एंड द नाइट ऑल बिगेन, अब यहाँ पे देखो आपको तीनों टेंस यूज हुए हैं। यहाँ पे देखो अभी क्या है, तो अभी कौन सा टाइम है, द ईट ब्लैंक्स इवनिंग नाउ, अभी शाम का टाइम हुआ है, ओके, अभी हुआ है तो इज एम आर लगाना है, तो इट इज़ आएगा, तो अभी शाम का टाइम हुआ है। द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट द मॉर्निंग, अभी शाम का टाइम था और मॉर्निंग में सन ईस्ट में से आया था, है ना, सब सन उगता है तो सब मॉर्निंग का टाइम होता है, तो मॉर्निंग में ईस्ट में से आया था सन, और अभी शाम का टाइम है, अभी क्या लिखा है, बट नाउ इट ब्लैंक्स इन द वेस्ट, और अभी यह हमको कहाँ दिखता है, मॉर्निंग के बाद नाउ इट इज़ वेस्ट के साइड हमको अभी दिख रहा है, इसलिए इज आएगा। सून द ब्लैंक सन ब्लैंक्स आउट ऑफ साइट एंड द नाइट विल बिगेन, और ये छिप जाएगा जब शाम होगी, तब वो रात का टाइम होने वाला है, तब ये सन वापस छिप जाएगा, तो अभी थोड़ी देर के बाद वो चले जाने वाला है, साइट हो जाने वाला है, यानी कि चले जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी तो शाम का टाइम है, ओके, और मॉर्निंग में सुबह में हुआ था तो वो हमारा पास्ट टेन हो गया, और अभी शाम का टाइम है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है, और थोड़ी देर बाद वो छिप जाने वाला है, साइट आउट हो जाने वाला है, तो वो हो जाने वाला है, तो वो आएगा हमारा फ्यूचर टेंस, उसमें आएगा विल बी,
ओके 11 नंबर की बिफोर 15 अगस्त 1947 इंडिया ब्लैंक्स नॉट फ्री कंट्री नाउ वी ब्लैंक सिटीजन ऑफ ए फ्री नेशन. अब जब हमारा ये तो पूरा सेंटेंस हमारा प्यूलर हो गया क्योंकि जब हमारा इंडिया है ना आज़ाद नहीं था उसकी बात हो रही है जो हो चुका है. हमारा इंडिया जो था वो 15 अगस्त को फ्री हुआ था, उससे पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था. तो दोनों में एक में वॉस लगेगा जो बिफोर 15 अगस्त 1947 इंडिया वॉज नॉट फ्री कंट्री, तब हमारे फ्री कंट्री नहीं थे. ओके नाउ वी आर सिटीजन ऑफ फ्री नेशन. ओके अभी हम फ्री है, तो अभी है तो नाउ आ गया उसमें, तो अभी है तो हमको आर लगाना है. अब 12 नंबर की जो फिल इन द ब्लैंक्स है, टुमारो ब्लैंक संडे सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ब्लैंक्स एट होम. अब कल छुट्टी है, कल क्या है संडे है, संडे की छुट्टी रहती है ना, तो कल छुट्टी है तो मतलब कल है, टुमारो आ गया तो हमको विल भी लगाना है. तो विल भी लगाने के बाद उसमें दूसरा सेंटेंस लिखा है सो ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली फैमिली ब्लैंक्स एट होम, तो सारे फैमिली के मेंबर्स वो सब घर पे रहने वाले हैं. ओके तो ये हमारा फ्यूचर टेंस है तो उसमें भी विल भी लगेगा. अब 13 नंबर का संडे ब्लैंक्स द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ये जो संडे है हमारा वो हमारा वीक का पहला डे है तो उसमें ईज आएगा. अब 14 नंबर का है द स्मॉल प्लांट ब्लैंक्स ए बिग ट्री आफ्टर 10 ईयर्स. अब हम अभी जो स्मॉल प्लांट जो कर रहे हैं उगा रहे हैं वो 10 ईयर के बाद क्या बन जाने वाला है, बिग ट्री बन जाने वाला है, लेकिन अभी बन जाने वाला है 10 ईयर आए तब ना, तो अभी वो जो है वो हमारा फ्यूचर में बनेगा, वो बिग ट्री कब बनेगा फ्यूचर में, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस है इसलिए उसमें विल भी लगता है. अब 15 नंबर का देखो इन द विंटर डेज ब्लैंक्स आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. ओके जो हमारा विंटर डे है उसमें डे कैसे होते हैं, तो जो डे होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और नाइट हमारी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, तो उसमें दोनों में हमको आर लगाना है. इन द विंटर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्ग. ओके बच्चों आपको प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट टेंस में पता चल जाएगा तो आपको ये FIB बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी, ईजीली आप कर पाओगे. जैसे सेंटेंस पढ़ोगे तुरंत पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट टेंस का है, तो आप आसानी से फिलअप कर पाओगे. अस्तु प्रणाम.